अस्सलामुअलैकुम जी। तो भैन भाव की हाल है थोड़ा? उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक थोनू खुश रखे ते आबाद रखे ते आमीन। ते अज मैं थोनू दस दियां कि वीडियोज़ कुछ दिन ते आ नहीं सी रही। तो अज मैं क्या चलो मैं अज वीडियोज़ कोई टुटी पुजी बना ही लैनी हाँ। तो हूँ मैं अज चलनी हाँ अपनी कुदसुना वाले बाहर निकली हाँ। तो बाहर देखे मौसम अज फिर थोड़ा बहुत खराब खरूब धुप देखने भी सदियाँ हो गई वहाँ। तो यह हिसाब होया वा इन्नी देर हो गई धुप भी नहीं वेखी है। तो हूँ मैं बाहर निकली हाँ, दो दिन मेरे को जाना ही होया उधर। तो जाने तो पहले मैं थोड़ा दस दा कि तुम मेरे को पूछ रहे थे कि लाइबा किधर आ, लाइबा किधर आ, लाइबा कितने आ, वो क्यों नहीं आ रही है। तो थोड़ा मैं दस देव कि आ खड़ी लाइबा। हाँ जी दसो हूँ कितने से इन्ने दिन? मैं हैगी सी लाहौर इधर फ्रॉम है जी। तो व्यूअर्स मैं इतने दिनों से इसलिए गायब थी क्योंकि मैं यहाँ पे घर में थी नहीं, मैं होती हूँ लाहौर यूनि में, ठीक है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग में भी नहीं आती। अभी मैं आई थी कल रात घर, तो इसीलिए कहती सब पूछ रहे हैं। मैंने कहा मेरी सी गल है मेरे व्यूअर्स मेरा पूछ नहीं रहा, तो मैंने सोचा इसलिए आपको पहले भी मैंने बताया था, लेकिन इस वक्त मैंने कहा मैं आपको फिर ब्रीफली बता दूँ कि मैं यहाँ पर नहीं होती, मैं लाहौर होती हूँ। फिर जब लेकिन जब कभी मैं घर आती हूँ फिर मैं लाजमी आप लोगों के सामने आती हूँ, ये बात थी। तो सुन लिया तुम क्यों कहा तो नहीं होंगी होंगी सी ब्लॉग के बच्चे? मैं इसलिए थोड़े जवाब नहीं कमेंट देते। मैं कह सी और ने आना वा तो आके आप ही थोड़ा दस दे लाइव दस दूंगी, ठीक है। तो हूँ लगता तो हूँ थोड़ी समझ आ गई होनी। तो हूँ आप चलते मुकदस वाल क्योंकि ए हूँ कल आई गया। तो इसलिए इन्हें भी जाना सी मुकदस वाल अफसोस करने वास्ते। तो इसलिए तो कहती पई सी कि मेरे नाल जाई, मैं पहले जाना सी लेकिन कहती तू मेरे नाल जाई। मैं ठीक है मैं तेरे नाल चल जाऊंगी। तो अम्मा जी, अम्मा जी बैठी हुई हैं काके को याद कर रही मिठू को। हाँ अम्मा याद कर रही हैं, याद आ रहा है मिठू? मैं तो मर गया था ने बोलता। बस अम्मा अल्लाह जी को यही मंजूर था। अल्लाह दिते दिते उसे से रंगा तो मोर वृद्धि हो जाए। हाँ जी बस आप ही सब दुआ करें अल्लाह पाक अम्मा जी को अपनी मुकद्दस को सबर दे, ठीक है। जो होता है बेहतरी के लिए होता है, लेकिन वक्ती दुख तो सबको ही होता है ना। इतना जो टाइम उसके साथ एक महीना पूरा गुजार लिया था, एक डेढ़ महीना काके के साथ, तो दुख तो होता है। इतना जल्दी फूलने वाला तो नहीं है ये। इतनी हमने उसके आने की तैयारी की हुई थी है कि छोटू ने आना है ये उसके लिए, फिर ये शीट भी सारी लगाई हुई थी कि यहाँ से फिर चारपाई को मिट्टी मुट्टी कहीं ना लगे। तो लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर, और आप सब भी दुआ करिएगा अल्लाह पाक इनको हौसला दे सबर दे। तो अलहमदुल्लाह हूँ असं घर आ गए सके, चाचू उन्होंने भी होते घर आए हैं। तो भुख भुख लगी हुई सी तो जो घर आए हैं तो अम्मी ने ना साग तुड़के रखा हुआ सर, रोटियां जड़ियाँ अभी पका के रखी हुई। मम्मा ने पता सके मेरी औलाद ने भुखी ने आना, नंद ने भुखड़ा पै जाना, तो नंद ने कहना कि सू रोटी दे दो खाण को कुछ दे दो। तो पहले तैयार सारा कुछ करके रखा हुआ सगा, तो मैं खा खू ली तो हूँ बाकी सारे खा रहे हैं। तो इन्होंने को सबर नहीं हो, इन्होंने साग वाली पतीली के लग गया तो इंज ही खाने लग गई क्योंकि ना साग स्वाद भी बहुत लगता है ना। ते आ जड़ी है एदी किसे नाल बनदी है कि इन वक्री रोटी सारे दिंदे हुंदे आ कि तू साइड ते बह के खाया कर, है ना मान। ते हां ते आ जी ते असी हुन होया है सीगे अपन मुकद्दस नाल भी होया है सीगे। ते ना कुछ लोग ना फिर मैनू कमेंट करके पूछ रहे सके मुकद्दस तुहाडी की लगदी आ। ते मैं कहा चलो मैं तुहानू दस देवां एक वारी फिर गल नूं क्लीयर कर दिंदी आ कि फिर तुसीं कहिणा कि मेरे कमेंट दा जवाब नहीं दित्ता है। मैं तुहानू कहिणा तुहानू दस दिंदी आ कि मुकद्दस के नाल साडे रिलेशन काफ़ी पुराने और मेरी वड्डी भैन भी लगती है और ठीक है ना। तो फैमिली रिलेशन भी काफ़ी है, तो यूट्यूब तो हट के काफ़ी पहले असं एक दूसरे को जानते सी, साडे आपस में काफ़ी आनी जानी भी सीगी। तो इसलिए थोड़ा मैं रोज़ उन्होंने घर लभ जाती हूँ कि मैं उन्होंने घर रोज़ जानी हूँ है, एक दिन छड़ के चले जाती हूँ। तो इसलिए मैं क्या हूँ चलो फिर मेरे को पूछ रहे कि मुकद्दस क्या लगती। तो इसलिए मैं वैसे एक वीडियो भी बनाई सी कि मुकद्दस से मेरा की रिश्ता वा, लेकिन शायद तुम ना वेखे हो। तो इसलिए मैं चलो दोबारा गल क्लीयर कर दिनी हाँ कि मुकद्दस मेरी दोस्त भी लगती, मेरी वड्डी भैन भी लगती है, आप ही भी लगती है, मतलब कि समझ लो कोई भी रिश्ता सारे रिश्ते लगते हैं, ठीक है ना। तो हूँ मैं बैठी बैठी ख्याल आया कि क्यों ना अज आप नवी रेसिपी तैयार की करें। तो असी अज बना लगे पहली दफा गुड़ वाले चावल जो कि पहले कभी नहीं असं बनाया अपने घर के। तो अज असी और लगे हुए बनाते चावल चुवल असं भ्यों के रख दिता से, तो हूँ असं समान समून वह कट्ठा करके रखे। तो हूँ इतने असं बना लगे चाश वो, तो हूँ देखो फिर किदा दे बनाते। असं भी मोबाइल तो देख देख के बनाते हैं, बना तो सानू भी नहीं आती है, असं भी देख देख के बनानी है। तो देखो हम कि बन गए इतने असी ना हूँ गुड़ रख दिता, तो हूँ ये चार पेसे रखे गए रखिया वा। तो हूँ ये एक कप पावे असी पानी का,
चाश अपनी तैयार हो गई है, हुण इहनूं थोड़ा अपना पुन लवां क्योंकि गुड़ जिहड़ा हुण सीगा ना पुराना सीगा ते ओह फिर ना उत्ते झग झग भी आ गए सीगे ते विच ना कुछ जर्रे वगैरह भी आ गए सीगे ते इस लई ना हुण इहनूं थोड़ा जिहा छान लवांगे ताकि ना चावलों के जर्रे ना आन चावल सही हो मूँह च भी ना जा। हुण ना हल्की जी आँच करके तो चावलों दे दिता दम पाने भेट के ना ढक्कन तो असी उपर तवा पुठा कर दिता कि थोड़ा किसी पास भी हवा ना लगे तो बिल्कुल कोई कसर ना रहे। तो हुण जिन्नी देर तक चावलों दम आता वा मैं बर्तन बुर्तन भी सारे वाश वूश करके रख दिते या चुल्हा भी तकरीबन किचन सारा साफ सुफ कर दिता वा। तो हुण आप चलते हाँ अंदर हाथ हुथ सेक लिए थोड़े बहुत बहुत सर्दी हुई है ठंडे पानी ना धोते दम पुटिया तो साढ़े चावल बिल्कुल उदा के बने जिदा के असी नैट तो वेखे सके तो माशाल्लाह ना टेस्ट भी उ लगन दिया वो तो खा के नहीं वेखे लेकिन आ तो खा के वेखी है टेस्ट उ सारे तो मम्मा चेक कराने मम्मा खा के दसने कि बने आ। हाँ सेम उदा ही बने जिदा किसी टेस्ट भी उदा मैंने तो मजे लगे आसो कि मान तू भी दस मजे दे लिया असि पापा चेक करा दी यही प्लेट दे दो खा ले के चम्मच मैं करा के जाऊंगी मैं पूछना नहीं है मैं बनाई नहीं है ते होर वाली बात यार प्लेट मुड़ के ना लग गई हां होर नहीं है सिद्धा के किलो चावल बनाए चेक कितने भी खराब हो गए हां थोड़े खराब हो गए सही लग रहे अपने सही आ हुन खा के भी देखो किदा दे आ पास आ हां हां चलो शुक्र आ शुक्र आ चावल छड़े खान दे काबिल बने आ मजे दे बने आ पहली ट्राई सी लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चंगे बन गए आ अगली वाली बहुत चंगे भी बना सकदे आ सही आ ते भी लोग नु छोटे ही नु आप इथे ही कर दे एंड ते आई होप कि थोनू मेरा व्लॉग पसंद आऊगा ते ओनू लाइक ते शेयर कर दे ते अच्छे अच्छे कमेंट करके दसियो ते उस तो अलावा तुसी मैनू कहना हुंदे आ कि उर्दू बोलेगा कुछ मैनू कहंदे पंजाबी बोलिया करो तो मैं सही गल दसा मैनू ना उर्दू बोलना थोड़ा औखा लगता कि मुँह बिंगा जहाँ होंगे रहता वा बार बार मैं गल करना भुल जाती है पंजाबी घर भी पंजाबी बोलते हैं तो लैंग्वेज भी पंजाबी है भी असंजाबी तो मैं पंजाबी ना फटफट आँगी पंजाबी बड़ी मजे न मैं बोलन आँदी है तो उर्दू च मैं आड़िया नहीं हाँ तो इसलिए मैं उर्दू ना थोड़ी घट ही बोलती हूँ तो तुम प्लीज़ एडजस्ट कर लगा मेरी पंजाबी थोड़ी समझ आ जाती होनी है मेरा ख्याल आ इन्नी औखी नहीं बोलती होंगी जो तुम मेरी पंजाबी पसंद कर लिया करो उर्दू मैं बहुत औखी लगती है तो इसलिए फिर ठीक है ऐसे दे नाल ब्लॉग कर देते एंड ओके अपना ते अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो दुआओं भी याद कर लिया करियो तो ऐसे दे नाल अल्लाह हाफिज़।